चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हसनैन से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पड़ोसी देश नेपाल में देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया जिसके झटके राजधानी दिल्ली तक महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके के डर से लोग अपने घरों से बाहर भागे। इस भूकंप के कारण आधे भारत की धरती हिल गई थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 9 नवंबर को सुबह 1:57 पर आया था जिसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप केंद्र नेपाल के मणिपुर में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में था। इसके बाद दोपहर 3:15 पर नेपाल में फिर भूकंप आया जिसकी तीव्रता 3.6 थी। नेपाल के दोती जिले में दोपहर 2 बजे आए भूकंप के कारण एक इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश के सुदूर पश्चिमी देश में 3 बार भूकंप दर्ज किए गए।